फ्रैन जोनस न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम में एक बॉलर यानी गेंदबाजी की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने फरवरी 2021 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम फ्रांसिस सिसिलिया जोनस है और इनका जन्म 8 अप्रैल 2004 को ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ और इनका जो वर्तमान गृह निवास है वो है ऑकलैंड न्यूजीलैंड। फ्रैन जोनस दाएं हाथ की बैटर है और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बॉलर की होती है और इनका जर्सी नंबर है 26 यानी 26। फ्रैन जोनस की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 60। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 30 जुलाई 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 142। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 23 फरवरी 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला और फ्रैन जोनस डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू स्तर पर 2019 से ऑकलैंड टीम से खेलती हैं। इन्होंने बारडीन कॉलेज ऑफ द सीक्रेट हार्ट से अपनी पढ़ाई की और इनके बड़े भाई भी क्रिकेटर हैं और इनके पिता इनको क्रिकेट की कोचिंग देते हैं। फ्रैन जोनस ने 6 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और 10 साल की उम्र तक लड़कों की टीम में क्रिकेट खेलती रहीं और फिर ऑकलैंड में कॉर्नवॉल क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेला और न्यूजीलैंड के अंडर 22 इंडोर क्रिकेट टीम के लिए भी इन्होंने क्रिकेट खेला। फिर दिसंबर 2019 में 15 साल की उम्र में 2019-20 हैलीबटन जॉनस्टन शील्ड में ऑकलैंड हार्ट्स के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया और हैलीबटन जॉनस्टन शील्ड फाइनल में 3 विकेट लिए और पूरे सीजन 2020-21 में चौथे नंबर पर सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज रही, जिसमें फ्रैन जोनस ने टोटल 9 विकेट लिए और 2020-21 सुपर स्मैश प्रतियोगिता में ऑकलैंड हार्ट्स के लिए 8 विकेट लिए और फिर सितंबर 2020 में इनको न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम द्वारा डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसमें फ्रैन जोनस सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। फिर जनवरी 2021 में फ्रैन जोनस को न्यूजीलैंड पुलिस की महिला टीम के खिलाफ फरवरी और अप्रैल 2021 के बीच होने वाले मैचों के लिए न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया और फरवरी 2021 में फ्रैन जोनस ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने वनडे इंटरनेशनल मैचों के लिए न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम में अपना पहला कॉल अप हासिल किया और टूर्नामेंट में 2 अभ्यास मैच खेले जिसमें इन्होंने 2 विकेट लिए, जिसकी बदौलत फिर इन्होंने 23 फरवरी 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए महिला वनडे में पदार्पण किया और फ्रैन जोनस को 2021 महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय टीम में नामित किया गया और 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए इन्हें टीम स्क्वाड में शामिल किया गया और 30 जुलाई 2022 को राष्ट्रमंडल खेलों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू किया और फ्रैन जोनस को 2023 ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के लिए भी इन्हें टीम में चुना गया। तो हम फ्रैन जोनस के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये इससे भी और अच्छा क्रिकेट खेलें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।